छपे आचा चल हां दो ना कुछ डैड प्लीज की। कुछ आप आपल औरेंज। आपल औरेंज भी एप्पल ऑरेंज मैं घर भी खाधे हाय की दीदी और पता नहीं डैड कुछ चटर पटर कुछ जितना हेलो 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 जी सनम हम आ गए आपसे लाइव बातें करने जबकि हमको इस वक्त सोना चाहिए काश मैं बिग बॉस में होती मुझे भी ऐसा लग रहा है काश मैं बिग बॉस में होती मेरा की रहे थे अभी आज सुबह ही आपसे मिले हैं हम ज्यादा बनिए मत गाइस तो मैं बात मैंने सोचा कि आपसे आके हम थोड़ी बातें करें मुझे पता है बहुत ही अजीब टाइम पे आ गई हूं मैं फिर से लाइव आऊंगी बट अभी मैं इतने क्यूट आप एडिट्स बना रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जस्ट लाइक like... तो मैंने सोचा कि मैं लाइव ही आ जाऊं Uh, इतना ध्यान कृपया ध्यान दीजिए अगर आप मेरे लाइव में गालियाँ देंगे या कुछ भी बकवास बकेंगे तो ये लाइव आपसे हाइड कर दी जाएगी और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा धन्यवाद यहाँ पर हम ना गालियाँ देते हैं ना गालियाँ सुनते हैं एक्चुअली गालियाँ दे देते हैं जब जरूरत पड़ती है पर सुनते नहीं हैं और मेरे पिताश्री को मैंने बोला मेरे लिए कुछ चटर पटर प्लीज ले आओ तो वो ऑरेंज लिया है मीठा है ऑरेंज हम्म hmm. अब मैं देखती हूँ क्या आप कह रहे हैं कोलैब विद हनी सिंह आई होप सून यार एक हमने एक आई थिंक आई आई सैंग फॉर अ सॉन्ग फॉर हिम आगे देखो लेट्स आई होपफुली सून आई लव प्रकाशा टू गाइज आर टू क्यूट करण के बारे में टू थ्री वर्ड्स करण न्याणु है मेरा um, uh, मैं ऐसे शो से पहले से मैं ऐसे एक बार मिली थी मैं जानती थी उन्हें एंड ही इज वेरी स्वीट वेरी वेरी स्वीट कैसा लगा बाहर आके बाहर आके कैसा लगा मतलब सेम ही लगा ऐसा क्या है खट्टा लग गया प्रतीक यस बहुत आई थिंक बहुत प्यारा इंसान है um, Yes, of course I'm missing him. पोटू वैसे तो मैंने बनाया था बट चलो ठीक है आप प्रतीक की बात सुन के अगर बोलते हो तो फाइन आई लाइक योर टीथ हमेशा इनमें कुछ ना कुछ फंसा होता, तो होता है या तो लिपस्टिक लगी होती है या कुछ फंसा होता है थैंक यू गाइ हुई ये चलती हवाए ले जाए कहा एक दूजे के जाने बिना कब दो दिलों की हुई आ रिया दिल जाने दिल जाने वट यू थिंक अबाउट तेज तेज यार मुझे तो ये शिप नेम अंदर पता भी नहीं था पता है मुझे ऐसा लग रहा है काश मैंने कुछ एक्चुअली मैंने बनाने की कोशिश की थी करण और तेजा की शिप नेम आई थिंक मैंने बोला था काज आ, तेजा करण ठीक है आपने बनाई दिया है तेज रन तो बहुत क्यूट है वो आई थिंक अबाउट देम आई थिंक आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ मैंने काफी कोशिश है अंदर में करके आई हूँ अब आगे वो क्या करते हैं वो नहीं पता है um, थोड़ा समय और रहती तो आई थिंक तेजा को थोड़ा आई वॉन्ट टू टेल हर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट बाहर ही निकल गए मैं यार डैडी दरवाजा बन करो मम्मी मैं मारेगी फट के हम। तो ले उमर तो मस्त इंसान है यार बहुत प्यारा इंसान थैंक्स ब्रो हाय बोलना हाँ बैठे कोकोनट like <laughs> सब पे मारूंगी इसके कोकोनट में बहुत तंग करता हूं गणेश रंधावा थैंक यू सो मच तन्मय आई विल नेवर कॉल यू बैक अपना तन्मय अपना तन्मय मै यू एक्सपेक्टिंग बी ही विल बी सो मच लाइक वेद आउटसाइड एज इन हाउस ही सीम लाइक विलन है मतलब फ्रेंडशिप आफ्टर बीबी बाबा काफी दोस्त मैंने पे सबके साथ दोस्ती रहेगी लव टू कैलिफोर्निया मिलिए मेरे पिताश्री से इन्होंने मुझे भेजा था बिग बॉस इन्हें बताओ डी वॉच एनिमे आई वॉन्ट टू यार मैं स्कूल में देखा था डैडी थोड़ा फोन वज रहे है। यार मैंने कब बोला था ये यार क्या बोल रहे हो तुम लोग यार ऑल टाइम फेवरेट बीबी कंटेस्टेंट बहुत सारे हैं यार ऑफ ऑफकोर्स प्रतीक करन निशांत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उमर एंड सिम्बू तो मेरे क्यूटीज हैं बिल्कुल क्यूटीज वी वॉन्ट अका बैक इन द बिग बॉस हाउस हाँ यार बोलो मैं आ जाऊंगी बुलाएंगे तो थैंक यू काबरा आर्यन अलीशा यार मैंने आज का एपिसोड नहीं देखा मुझे मत पूछो अभी यार मेरे इंटरव्यूज चल रहे थे यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लिटरली आमंड ओट मिल्क मंगाऊली हम क्या करते थे <laughs> um, I'll tell you what. ठीक है जब मैं अभी मैं बोल सकती हूँ अभी मैं घर के बाहर हूँ जब मैं जंगलवासी थी और वो सब ओटीटी लाइक ओ टी टी मतलब वो सब मुख्य द्वार में थे तो हमें अलाउड नहीं था मुख्य द्वार से ज्यादा ऐसे खाना देना बट प्रतीक ऐसे चीटिंग करके Um, uh, ऐसे uh, हम लोग जब ऐसे सब सो जाते थे मतलब दो तीन जन फिर भी जागे हुए होते थे बट आई यूज टू ऐसे चिपके से वी यूज टू गो आमंड मिल्क था मेरा मेरा ओट मिल्क या प्रतीक का आमं मिल्क निकाल के ऐसे इसमें क्रश करके मैं अपने नट्स जो uh, मेरे हिस्से के uh, ड्राई फ्रूट को ऐसे फुल क्रश करके हम आमंड मिल्क में डालते थे थोड़ा सा शुगर फ्री डाल के इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल के ऐसे सीक्रेटली ऐसे खाते थे कि वो मैं ये चोरी चोरी चल रही है अलाउड नहीं है ना वैसा है कोई बात नहीं फिर ये हमारी एक लेट नाइट ट्रेडिशन ही बन गई तो इसलिए आप हमेशा हम रात को ऐसे कुछ होता था एंड दिन खत्म होता था प्रतीक जी लाइक कुछ खाएं एंड आई ए लाइक खाते हैं फिर हम रोज रोज कुछ नया नया लाइक ही अगर प्रतीक बोलता था तो मुझे कुछ मीठा खाने का मन करा एंड कुछ भी रैंडम ढूंढते थे गला खराब है तो आमंड मिल्क को गर्म करके इसमें हल्दी और नट्स क्रश करके फिर कभी मैं ऐसे एप्पल को ऐसे स्क्रेप कर करके उसको मिल्क में मिक्स करके क्या क्या हमने फिर इस लेट नाइट पार्टी अलग जंगल में भी एक पार्टी चलती थी जहां सिम्बू आता था रात को और जो मैंने बोला ये कि वो कहा पूरा अच्छे बना दूंगी और फिर उस पार्टी का पार्ट पहले उमर जल्दी सो जाते थे फिर वो बाद में बाद में हमारे उन्हें रियलाइज हुआ कि रात को तो बड़े मजे करते हैं हम तो फिर आ, आ, लेटली पिछले एक 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 हफ्ते दस दिन में जो मैंने बोला हमारी लेट नाइट पार्टीज चलती थी मतलब पार्टी के नाम पे मतलब हम बचा कुचा बटर को लगा के या मेरे ग्लूटेन फ्री ब्रेड पे या पराठे में बनाती थी आप के साथ म्यूजिक वीडियो करना पक्का चौंटू का म्यूजिक वीडियो आएगा मेरे साथ थैंक्स ग्राम मेकअप अभी तो पूरा उतर चुका है मेरा गाइज एक सेकेंड इतने सारे मैसेजेस व्हाट्स योर एडवाइस टू एंड मिर्शा मायशा यार मुझे जो एडवाइस देनी थी मैंने उन्हें दे दी थी शो पे मायशा से मेरी बात जब हुई थी तभी आई uh, uh, मेरा उनको कहना था कि आप यू नो यू कंसिडर एवरी थिंग एंड एंड जो सोच समझ कर जो भी वो गाइज uh, 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 कुछ अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप प्लीज आई रियली लाइक शमिता आई थिंक मेरे साथ उन्होंने हमेशा वो बहुत स्वीट रही है एंड यू नो शी वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी काइंड स्टे आउट नॉट योर कप ऑफ टी ए नो सीक्रेट बताओ अ सीक्रेट क्या था यार ये ही मतलब हम सीक्रेट थी ये तो दो तीन चीजें अच्छा एक और सीक्रेट बताती हूँ जब ही हम मुख्य द्वार से जब हम मुख्य यार सब खाने को लेके सीक्रेट्स क्यों है मेरे जब हम मुख्य द्वार से वापस आए थे जब हमें दंड दे दिया था सबको और हम जंगलवासी बन गए थे सब तो एक ड्राई फ्रूट का पैकेट था जो, जो प्रतीक प्रतीक like, मैं ये लू कि अहिंसा कहा लाइक अरे तो वो एक ग्लव अवन के लिए ग्लव्स होते हैं ना तो उसमें मैंने भर दिया था और मैं वो कहीं रख के भूल गई थी बहुत दिन बाद मुझे प्रतीक को वो मिला आई वाज लाइक प्रतीक एंड ही वाज लाइक तो हम लोग वो हमारा सीक्रेट uh, ड्राई फ्रूट स्टैश होता था जिससे हम निकाल निकाल के क्योंकि उससे यार ये तुम बहुत ही मैं पोली खोल रही हूँ बट खाने की क्यों बातें कर रही हूँ पता नहीं और हम ना हमें जो जो भी लंच के वीकेंड में अगर कुछ लंच कहीं से आता था वैसे तो हमें खुद ही बनाना था तो उसके बटर और उसके मेपल सिरप कुछ आते थे सबके डब्बों से हम ढूंढते थे कुछ बच गया डिजर्ट या कुछ और हम फ्रिज में रख देते थे फिर हमारी लेट नाइट के उसमें हम ढूंढते थे कि ओ इतना सा बटर है ओ इतना सा मेपल सिरप फिर हम लगा के खाते थे सॉन्ग विद दर्शन यार जल्दी देखते हैं होपफुली सोन लास्ट डे टॉक विथ प्रतीक आई थिंक आई जस्ट वो नहीं मान रहे थे मुझे फीलिंग आ रही थी आई वॉज लाइक वी हैव टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी कि शायद मैं चली जाऊंगी बट ही वॉज लाइक नहीं नहीं तू नहीं जा रही है एंड तक तो एक टाइम पे मैंने उसको बोला भी यार कोई बात नहीं यार अगर चली गई तो एटलीस्ट लाइक रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ठीक से बात नहीं की वट एवर बट एनी वे

एंड इमेजिन एक बार सिंबू ने हम लोग बैठे थे ईशान मैशाह वहां पे थे आ, था, बाकी सब सो गए थे कासा, बहुत आप मेरे लिए पराठे बना दोगे मैंने कहा ठीक है मैंने जाके देखा मैंने कहा आटा तो है नहीं भाई दबाई मुझे कभी पराठे भी बनाने नहीं आते थे और मैंने बोला यार आटा नहीं तो गूंध देते मुझे लगा उसको आता होगा तो मैंने जब आटा लिया मैंने तो पहले कभी नहीं गूंदाई का बट मैंने जुगाड़ लगा के जो खुद ही आटा गूंधा है और कमाल का आटा गूंधा है और उसका फिर फिर सिंबू बोलता है प्याज के पराठे फिर मैंने प्याज का भी कुछ बना के जो मैंने जुगाड़ किए हैं वहां पे पराठे बनाऊंगी मैं, मैं रितिका पराठा पार्टी करते हैं हम क्या कह रहा है ये तेजस गोहकर गोहतरे बीबीएस बोरिंग क्या बात कर रहे हैं यार कुछ लोग तो मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत बोरिंग हूं मतलब जस्ट बिकॉज मैं इमोशंस में बहके थोड़ा सा सहम सी क्या गई आपने हमें बोरिंग ही कह दिया डिजर्ट ओ यार आज मैं गई थी इन लोग के साथ बाहर पहली बार लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम साची और रितिका, से कर, रितिका के साथ और um, और हमारा जो डिजर्ट था वो बच गया था इतना और लिटरली आई गॉट सो एंग्री आई लाइक ऐसे कैसे डिजर्ट नहीं बचा सकते बिकॉज उस घर में इतना सा भी अगर डिजर्ट होता था तो लिटरली um, हम बचाते थे लाइक like स्पेशली जो हम फूडीज जो थे सिम्बा उमर प्रतीक और मैं और इतने इतने डिजर्ट को भी एक एक छोटी छोटा दाना लेके देते थे माई डैड इज वेरी क्यूट आई अग्री थैंक यू फॉर वोटिंग फॉर मी रफ्तार एंड व कासा सुपर सुन आई कैंट वेट टू गो एंड मीट हिम पता नहीं वो क्या बोलेंगे बट uh, उनसे मिलती हूँ जल्दी मैं तू खिंच में रिफोटो तू खिंच में रिफोटो तू खिंच में रिफोटो पिया तू खिंच मैं रिफोटो पिया चैबल क्या हो गया बेबी आई जस्ट सेड अबाउट तेजरन। आई थिंक uh, मैं श्रेय लेना चाहूंगी इस कपल uh, का बट uh, एक तरफ से तो कोशिश जारी थी करण की तरफ से uh, तेजा uh, की तरफ से काफी डिफिकल्टीज फेस हो रही हो रही थी मुझे क्योंकि वो मत कर खासा मत कर मत कर कहती रहती थी एंड अनफॉर्चुनेटली uh, मैं बाहर निकल गई बट uh, अब आई होप uh, अंदर कुछ हो रहा होगा ये क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार क्या है ऑफ कोर्स आई एम सपोर्टिंग प्रतीक फ्रॉम आउटसाइड सिंग वन सॉन्ग डेडिकेटेड टू प्रतीक प्रतीक और मैं हमेशा डिस्कस करते थे हमारा एक सबसे फेवरेट सॉन्ग दोनों का दो कॉमन फेवरेट सॉन्ग थे तेरे बिन नहीं लगता और एक सेकेंड यार मेरी ये जो छोटी सी शैतान है इसको पहले हाय बोल दो कहाँ है ये कैमरा कहाँ होता है भाई चुबड़ू कौन चाहिए ते को ओके okay, इसको ट्रीट चाहिए सेट छबल सेट सेट उतरी ओके सॉरी वॉट दैट नहीं तो इसका पीछे वो वो चलता रहता एनीवे वे आई वाज सेइंग ये दो गाने हमारे सबके फेवरेट हमारे सबसे फेवरेट थे तो आई सिंग तेरे बिन नहीं लगता अभी मम्मी उठ के मारेगी तो आप संभाल लेना सो रहे हैं सब hmm, पुछ काले बदला तो सीने विच अगला के लंग गई कई बरसात टे सजना नींद रखो के ਜਗ ਕੇ ਕਟੀਆਂ ਰਤਾ ਆ ਵੀ ਜਾ ਨਾ ਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ 에 ਰਤਾ ਸੋਣਿਆ ਮੁੜ ਨਿਓਣਿਆ ਤੇਰ ਬਿਨ ਤੇਰ ਬਿਨ ਨੇ ਲਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੋਲਣਾ ਹੈ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा टोलना आपने बोला था घर के बाहर बाहर आने के बाद बोलूंगी क्या एनी चांस दिल ब्रिंग यू बैक आई डोंट नो आई होप दे डू डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली नागिन में आपका डांस मस्त था थैंक यू राजीर थ्रे के डू यू थिंक तेजाव लव कुंदरा भाई इतनी आप गाड़ी आगे कहां बढ़ा लेते यार? हो यार धीरे धीरे हॉले हॉले हो, हो जाएगा एवरीथिंग एल्स गाइज प्लीज नथिंग अबाउट बिग बॉस इज स्क्रिप्टेड प्लीज काम डाउन अगर स्क्रिप्टेड होता तो आपको लगता नहीं कि मुझे लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट भेज देते कि अकाशा ऐसे करो ऐसे मत करो घर से बाहर ना निकलने के लिए इतना रो मत इतना इमोशनल मत हो yeah, yeah, yeah. मानसी मानसी यार आई एम सॉरी मैं किसी का फोन नहीं उठा रही मैं किसी से आने के बाद ऐसे आज सच बात नहीं की है मानसी मैं तेरे को कॉल करती हूँ one thing i miss most about big boss house is the friends that i made तू मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगती है थैंक्स यार मैंने अब तक बिग बॉस में मेरे एपिसोड्स नहीं देखे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड आई डोंट नो डू यू लव द नेम प्रकाश सा यस बहुत क्यूट नेम बनाया यार आप लोग ने लव यू गाइस टू न्यायक्ष्मी आई नो आई मिस प्रतीक टू ही नोज आई मिस हिम बीबी यस मुझे मौका मिलेगा तो पक्का जरूर जाऊंगी करंटली ऑन लाइव यार आप लोग मुझे ना मैं अगर लाइव नहीं देखती तो प्लीज आप स्क्रीन शॉट करके मुझे वीडियोज भेज दिया करो बिग बॉस लाइव का ठीक है प्लीज लव गुरु तो नहीं मैंने किया मैं थोड़ा क्यूपेड बन रही थी यार कोई बात नहीं oh मिनट इतने कमेंट्स चले आगे चले गए रुको 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 क्यूट <smart noise> क्या म्यूट हो गया क्या गाना गा रही हो आपको सुनाई नहीं दिया ले आप लोग ने ये नहीं किया टन 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 सॉरी क्या नहीं सुनाई दिया भाई गाना जो मैंने गाया वो नहीं सुनाई दिया आपको हाँ भाई वाइल्ड कार्ड के लिए बुलाएंगे तो आ जाऊंगी आप इतना कम क्यों दिखती थी पता नहीं यार पहले हफ्ते में थोड़ा सा मुझे पहले हफ्ते नहीं पहले कुछ दिनों में मैं बहुत ज्यादा थोड़ी खोस ही गई थी थोड़ी कुछ चीजों ने मुझे बहुत हर्ट कर दिया था बहुत दिल पे ले लेती थी सब कुछ तो थोड़ा भी हो गई थी मैं शायद इसलिए माय बॉन्ड विद उमर वाज अमेजिंग यार डिड यू एक्सपेक्ट दिस मच हाई फॉर योर बॉन्ड नॉट रियली बट आई गेस सच्ची दोस्ती जो होती है दिख जाती है गाइज़ ये कमेंट्स पूरे उल्टे पुलटे हो रहे हैं अभी कुछ कुछ एक सेकेंड अभी फिर से शुरू करो जो आप बोल रहे हो फिर से रिपीट करो ठीक है यस यू कैन गिव मी योर सॉन्ग रिक्वेस्ट टू गुड फॉर द डू यू मीन टू गुड फॉर द शो और टू नाइस फॉर द शो मुझे बहुत बोलते थे यू आर टू नाइस फॉर द शो लव बैक टू अफ्रीका ट्रेवल मेरे भाई का नाम नहीं तो आया क्योंकि मैं ट्रेवल की कसम खाती थी इसलिए आप लोगों को लगा मेरे भाई का नाम मेरे भाई का नाम आशा है क्या यार आई लव मानवी कौन मानवी कोई, कोई शिप नेम तो नहीं है मानवी आई नो दिन शो आज ऑल ऑट इन द मेन एपिसोड आई Right, it's fine. Happy birthday, Queen Sanya Jasmine. I miss being in the house too, guys. Thanks, Shraddhamani. Hi, Sachi. Sachi, happy birthday to SRK. मेरी आंखें सूख चुकी हैं इतनी नींद फ्यू वर्ड्स फॉर ईच कंटेस्टेंट विच कंटेस्टेंट आप कंटेस्टेंट का नाम लीजिए मुझे तो आप देखी थी बिग बॉस में थैंक यू यार hmm, हां नहीं हो मैं गाना गाती हूं बिग बॉस हाउस के लिए क्योंकि यू नो फिर तू क्यों दे गया गोली वादे तू तोड़े क्यों ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਨਹੀਂ ਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਓ ਨਹੀਂ ਓ ਨਹੀਂ ਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਓ Thank you, Sanya. Big Boss ki khabar. Of course, I can see your comments. You're actually too nice for the show, and I felt you were most real person. That's so sweet here. Some pages are posting, you had said. नो आई हैड इट वॉज फेक आई हैव नॉट सेड एनी थिंग वॉज फेक आई सेड दैट मुझे अभी वाइब समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं हूँ बट एन आई ऑल्सो सेड कि ओ आई डोंट नो अबाउट स्क्रिप्टेड और नॉट बट ये वर्ड्स टेढ़े मेढ़े करके कोई बात नहीं आई जिन लोगों को समझना है समझ गए आपने शो अगर देखा तो आपको पता था आपने नहीं देखा तो फाइन विशाल सेट यू एन प्रतीक का लाइक अ मैरिड कपल क्योंकि हम लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे फाइट यू हैड अबाउट प्रतीक सहमति मोर देन द फाइट अगर पीपल था वॉज ही वॉज ओनली अपोलोजाइजिंग बिकॉज उसने थोड़ी सी रूडली बात की थी और उसे पता है कि हम दोनों एक दूसरे से रूडली बात नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए फाइट मेरी फाइट यही थी कि मैं चाहती थी कि आप प्लीज बाहर आओ और आप अपना पॉइंट अक्रॉस रखो सुन लो डिस्कशन करो कि क्या चल रहा है क्योंकि मुझे यही प्रॉब्लम आती थी कि आप जिस तरह से आ, आ, आप ऐसे नहीं 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 नई करके जा रहे हो वाई आर यू बिकमिंग द बैड गाय इट वॉज माई फॉल्ट इट वॉज मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनका व्यू उनका व्यू है बट मेरी विथ प्रतीक आई हैड थिंक कि मैं अपना पॉइंट भी अक्रॉस रखती थी और उसी वजह से वो अपना पॉइंट और हमारी कभी कभी लड़ाई होती थी विच इज फाइन कैन यू सिंग अ सॉन्ग विथ सॉन्ग टेन यूर ओल्ड फैन लव यू Oh, महफिल में में तेरी हम न रहे तो गम तो नहीं है गम तो नहीं है किसे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है कम तो नहीं है इतनी दफा सुबह हो मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ आया हाउ did यू फील इन द बिग बॉस हाउस ऑनेस्टली um, पहले कुछ दिन uh, पहले दो तीन दिन तो आई वॉज वेरी लाइक आई वॉज ट्राइंग टू बॉन्ड विद एवरी जैसे मेरा नेचर है मैं सबको uh, सबका ख्याल रखना चाहती थी सब यू नो बट चौथे पांचवें दिन पर मुझे कुछ ऐसी चीजें बोली गई कुछ ऐसी चीजें नजर आई एंड आई जस्ट फैट रियली रियली लॉस्ट एंड अलोन एंड बहुत घर को मिस कर रही थी मैं एंड आई आई यू सुजस्ट जस्ट बी लाइक बाथरूम में बैठ के रोती थी अंटिल ऑबियसली आई मेट सम रियली गुड फ्रेंड्स एंड देन इट वॉज इज नाइस इट वॉज चैलेंजिंग मैं हमेशा अपनी जिंदगी में एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं था जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात ना की हो तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि वो चीज तो इट टुक समाइम बट देर लगी लेकिन मैंने बिग बॉस में जीना सीख लिया था वे डिड यू गेट द नेम चॉन्टू पता नहीं यार बस फील आई मैंने बोल दिया आई विल डू अ ट्यूटोरियल मेरी मेकअप क्वीन यहीं पर है जो जिससे मैंने जो मेरा मेकअप करती है Shout out to मेराकी बाय रितिका शॉट आउट टू मेराकी बाय रितिका शी इज द बेस्ट दिल ना जाने गालियां गालियाँ मैंने यार रात लंबा भी गा लिया आई डोट नोव दस ऑफ मी गोइंग अगेन बट इफ देर इज आई वु गो बैक एंड डू अलॉट ऑफ थिंग्स वेरी डिफरेंटली आई लव दू गंग अबाउट तेजरन दिस नेम वर्ड इज सो क्यूट तेजरन तेजरन बॉन्ड अभी बन रहा है आप धीरे धीरे जिस तरह से वो बन रहा है बनने दीजिए Um, uh, बाकी मैंने तो अपनी कोशिशें की थी मैंने दोनों को दोनों पार्टीज को बता दिया था क्या कैसा क्या है तो आगे अब आगे आगे क्या होता है वो तो हमें देखना मैं घर पे तो हूं नहीं सेटिंग कराने के लिए अब मैं क्या करूं बताऊ आई विल मीट प्रतीक कम्स आउट ऑब्वियसली यार आई डेंट वॉच टेज एपिसोड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ प्रतीक प्रतीक ने घर के अंदर आते ही उमर और प्रतीक की नोक झोंक हुई एंड आई जिस में थोड़ा पीछे हो गई ठीक like, है कर लो एंड आई रिमेम्बर मैंने काफी समय बाद जब सब सेटल हो गया था काफी समय बाद में कुछ कर रही थी एंड आई एंड प्रतीक सामने था एंड वैसा हाई मैंने पहले हाई नहीं बोला क्योंकि आपका झगड़ा चढ़ रहा था बट हाई दिस

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਿਕੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ टैडो ऑन माई रिस्ट इज फिकर को कैंसिल आउट किया है सेकेंड वर्ड है सबर और थर्ड वर्ड है शुक्र उमर के बारे में बोला यार बहुत ही स्वीट है उमर ई डू मैस आमंड मिल्क मैं लेके आऊंगी नीचे से मिल्क और ओट uh, मिल्क वे मैं चढ़िया इश्क दी पौड़ियां हथ लगे ना वे मेरी फुटी कौड़ियां ना मैं करा मिन्नता ना हथ जोड़े या जे तू मरना तू मर जाने गोलिया तू बने बड़ा ठग राग थग राजा थैंक्स के तेरी काली अखियों से जिंद मेरी लागे धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे अब जा लुट जाए ये जहा छुट जाए संग Plotted a hymn and a hoon, a hoon. Sajida, Sajida, like a vadu, the Sajida. Yes, Pratik whistled really well. My parents really uh, uh, like him, they like his game as well. And uh, they really liked that he took care of me. Kabir tha. My favorite singer, there are too many, but I grew up idolizing Sunidhi Jahan. Thank you, Raju. अर्जुन आई लव यू भाई कौन अर्जुन किसको बोल रहे हैं आप कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अब से पहले सितारों में बस रही थी थी सलमान सर का फेवर सॉन्ग कौन सा है एथया भाई वर्जिन की स्पेलिंग तो सीख ले पहले जमीर। वर्जिन, आई वर्जिन क्या है? माई फादर इज अ वेरी गुड पर्सन यस मेरा पहला सॉन्ग था खींच मेरी फोटो थैंक यू नितिन गुप्ता यस आई एम मिसिंग करन वेल आई एम रियल नवीन इट्स ओके आई एम आई एम सैड टू दैट आई एम नॉट इन द हाउस बट इट्स ओके लाइव देखो सिम्बोर प्रति चिड़ग रहे मेरे बगैर चिड़ कर रहे हैं दोनों शर्म नहीं आती उनको पराठे कौन बनाएगा उनके लिए ओके आई डेंट सी अबाउट द क्राइम थिंग एल फाइंड आउट वॉट इज योर क्वेश्चन अमृता थैंक यू सूरज खन्ना एम इज बींग यार के इज अ वेरी गुड केके क्या बोल रही हूँ मैं इसको केके नहीं बोलती कारण ने मेरा काफी साथ दिया है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अरे वॉट सॉन्ग यूंग जय आई थिंक वॉज रियली रियली ऑनेस्ट विद मी ऑलवेज एंड आई अप्रीशिएटेड दैट एंड मस्त इंसान है फुल कोकोनट है वो अंदर से फुल इमोशनल है एंड एक दो बार हम उस चीज पे बॉन्ड करते थे कि हम दोनों घर की फोटोज देख के इमोशनल होते थे एंड वी टू जस्ट वी लाइक दिशा पाटनी कहा ये चेहरा मेरा तो नहीं यार आपको नहीं आना चाहिए था घर के बाहर आई नो यार मुझे भी नहीं आना था घर के बाहर दरअसल ये गाना मैं सीखूंगी और मैं पोस्ट करूंगी मुझे बहुत प्यारा लगा है मैंने देखा अपने काफी एडिट्स बनाए हैं इस गाने के बारे में आई डेफिनेटली पोस्ट द सॉन्ग आफ्टर आई लॉन इट तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा खामखा वजह खब बुनता रहा Where the hell you came live? You're supposed to be in the house. मैं घर से निकल गई। I didn't see Karan pinning down a pratik, but I saw it when I came back home. I was very hurt. and um, it was not एंड इट वॉज नॉट राइट बट bad and he he did apologize who do you miss more kya इवर्जन मुझे चुप कर रहा हूँ तुम लोग guys गाइज ये जो लाइव फीड के मुझे आप अपडेट्स दे रहे हो यू बेटर भी स्क्रीन शॉटिंग एंड सेंडिंग भी ऑल दीज वीडियोज मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं लाइव लाइव फीड नहीं देख पा रही हूँ okay? आई लव यू टू अंशरा दियली स्वीट थोड़ा स्लिम हो जाओ दिशा पार्टी चुप कर हो जाऊंगी स्लिम डोट डरी मुझे पता है अपना वर्ल्ड कार्ड एंट्री में हो पर अपना सूर्य होशी देख कर जाना है सब सो क्यू प्यार नहीं मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि प्रतीक को प्यार मिल रहा है बिकॉज है वो बहुत प्यारा इंसान क्यों नहीं मिलेगा प्यार गई सब मैं जा रही हूं मुझे देखना है लाइफ फीड आप लोग मुझे देखने नहीं दे रहे हो डू यू नो मूव नो बट आई टोल्ड निशांत की आई फाइंड हर रियली कूल डेट प्रतीक गिव यू एन क्या है तुम लोगों को क्या सब कुछ जानना होता है, है? मुझे वाइल्ड कार्ड में बुलाएंगे तो जल्दी आऊंगी मैं दांत कहाँ से सेट करवाया ये मेरी माँ और बाप ने मुझे दांत दिए थे बचपन में बस वही है बचपन में नहीं बचपन में मेरे ये दो दांत काले थे चार दांत काले थे मैं थे ही नहीं यहाँ पे दांत ऐसे काले काले फिर वो टूट के जो नए दांत आए वो थोड़े से ऐसे बाहर थे बट काफी अच्छे हैं नितिन गुप्ता दैट्स वेरी स्वीट आई निकलने से पहले ही मैंने तेजा को आई डोंट नो अगर उन्होंने वो लाइफ फीड में दिखाया बट राइट बिफोर आई लेफ्ट द हाउस आई सार्ट एंड टोल्ड मैं उनसे करण की बात करने वाली थी बट मैंने उन्हें बोला कि यू नो आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट आप यू you नो know, शुरू शुरू में आई नो हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे मुझे आप समझ नहीं आ रहे थे एंड बट धीरे धीरे एज आई गॉट टू नो यू आई रियली लाइक यू एंड आई अप्रिशिएट यू अलॉट एट्सेट्रा एंड कुछ क्लैरिफाई उनको करना था उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया कि यू नो काम डाउन और समथिंग मैं उनसे क्लैरिफाई भी कर रही थी तो so, तब उन्होंने मुझे बोला था दैट आई विश आपने ही मुझे पहले बोला होता है ना लाइक है आई वज मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ आप मुझे अच्छी लगती हैं तो आप ये क्यों बोल रहे हो अनुने ने दो तीन बार बोला विशी दिस बिफोर तो मुझे तभी नहीं समझ में आई कि वो ऐसा क्यों बोल रही है बट um, घर आके उन्होंने uh, ऐसा कहा क्योंकि शी नॉमिनेटेड काश या अकाशा शो में देख पाते यार वहां भी मैंने सोचा था कैमरे में से देख के आपकी बात करूंगी फिर मुझे लगा कि वॉट इफ कोई देख ही नहीं रहा तो मैंने कैमरे से बात ही नहीं की सेम अभी तक आपके साथ था ना कौन Region के बारे में बोला मैंने यार बहुत क्यूट है दोनों एक तरफ से तो मैं काफी सेटिंग करा के आई हूं बट दूसरी तरफ से आ जाए ब्लैक पिंपल नहीं है तिल है यार प्लीज से टू मी आई एम आकाश आई एम सच ए गुड फैन आई वोटेड फ्रॉम थैंक यू आकाश मेरे नाम का मतलब भी आकाश है अर्जुन थैंक यू सो मच आपके लिए बैठे हैं आई वुल मीट यू इन दिस वर्ल्ड पैरल वर्ल्ड क्यू यू आर स्वीट नॉट एट ऑल फिट फॉर बिग बॉस स्वीट लोग बिग बॉस में नहीं जा सकते थैंक यू घट रेशमा दट्स वेरी घाटगी रेशमा दट्स वेरी स्वीट बा ये बाते बादों में शाम हुई राते खब के नाम हुए तारे कहानी बुनते रहे आखें आखें ये भोली बोली 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 ये कैसी बोली बैठे दोनों सुनते रहे ये चलती हवाए ऐ जाए कहा एक दूजे के जाने बिना कब दो दिलों की हुई दिल रिया दिल न जाने न जा दिल जाणिया ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ 당 ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ पे ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਫਸਾਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਵ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਯਾਰ के लगाना है ना प्रतीक अ रीजन ऑफ माई एलिमिनेशन आई डोंट थिंक सो आई दिल इज आल्सो माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग यार आपसे कोई दुश्मनी नहीं है यार रुको hmm. ਛੱਤ ਟੱਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤਨ ਫੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੁਝ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਡਿਸਨ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਰਜਨ ਸੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ कदी ते मैं तेरे हट नच कर ला के जटनी पिछे नहीं हटनी तू एक दिन मेरा ही होना पाया वेर आर यू राइट नाव आई एम इन माई रूम वो है नागिन का पोस्टर और ये हूं मैं मेरे रूम नहीं दिखाऊंगी बहुत ही बहुत ही गंद फैला हुआ है हमेशा की तरह आई विल चेक माई डीएम मुझे तुम लोग ने अगर बिग बॉस लाइव फुटेज ट्वेंटी फोर सेवन लाइव का अगर तुमने फुटेज नहीं भेजा ना तो देख लो मैं यहां तुमसे बात कर रही हूं कैन यू प्लीज मेमिक प्रतीक मैं घर पर सब सबकी मेमिक्री करूंगी बैठ के बट प्रतीक यूशू बी लैक हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है एन एन यूश बी लैक He's like, ही सुना आप क्या बोलो आप मेरी बात कभी नहीं सुनते क्यों नहीं मेरी बात सुनते मैं आपको बोल रहा हूँ वही बात वही बात वही बात मुझे नहीं अच्छा लगता वही बात करना जस्ट आई यू लाइक इंग दिस weather बॉम्बे में तो वैदर नॉर्मली है यारू आई कैन गो फॉर अच्छा बोल दिया मम्मी तो आगे मारने वाली है मुझे दो मिनट में बहुत मार पड़ी है course, मैं उसे सपोर्ट करूंगी बाहर से भी अरे नहीं भाई बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है भाई स्क्रिप्टेड होता तो फिर मुझे भी स्क्रिप्ट में लिख के भेज देते ना कि आकाशा ऐसा करो ऐसा मत करो फिर घर से नहीं निकलती मैं नहीं है बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड शगना न छे बेड़ा सजे हाँ मुझे इतनी लजक आते हैं बहुत मस्त इंसान है एग्री विच पिक्चर्स इज ई स्लीपिंग विथ आयु पंजाबी ऑफ कोर्स यार सरदार नहीं हो मैं क्या बोल रहा हूं आप मेरे दिल नाल नारनी तू लाने वाली है दिल तेरा जद टुटू आदा पत्ता लगूगा इश्क में हो गया बारी मैं ओ नहीं बारी कौन सा शिट उल्टा खाना गा दिया लग जा गले मतलब क्यों साइड करोगे मुझे ओके हम्म लग जा गले के फिर हसीरा हो न हो <clears throat> शायद फिर इस में मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो what <speaking in a traditional> picture <language> are you talking about chant when <laughs> पक्का चंडीगढ़ आना मैं जल्दी ऑफ कोर्स शिखा और स्कूल और शिख मुझे लिरिक्स नहीं आते यार गाइस आपके तो सवाल ही खत्म नहीं होते मतलब मारियाम व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मुबारक है तुम है कि तुम किसी के नूर नया जहां बसाओगे मुबारक है है तुम कि तुम या जहां बसाओगे किसी के इतने पास हो नहीं ये शाम जब ही आएगी तुम हमको याद आओगे अजीब दासता है ये थैंक यू जी साहिल बहुत स्वीट हो तुम एवी प्रतीक सिंह बोलती थी मैं एमी मैं तो सबको ही सिंह बोलती थी पे यस डन अदिति पीवीटीटी अक्षय ठाकुर आपने कुछ जरूर बोला था इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया गैस मैंने बिग बॉस में जाने से पहले भी बिग बॉस नहीं देखा था बाय द वे नो आई वुड गो एंड वॉच इज एपिसोड से जुदा होकर मैम ये कौन सा गाना है आई एम गेमलर गमलेर देव किया यार मैंने यार मैसेज जैसे क्यों बोल रहे हो कर दिया डेडिकेट मैंने गाई जी क्या क्या गाने बोल रहे हो आप यार क्या हो रही सट लग गई है टाटूआ यार मैं ना आंदे आई कार निकल दे आई लाइक आई गॉट आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस एंड आई वाज वॉकिंग टू द वैनिटी एंड इन छोटे छोटे पपीज सी लाइक पांच छे पप्पी और एक बड़ा डॉग तो वो सारे मैं उनको मिलने लग गई मैंने वो लहंगा पहना हुआ था और सारे ऐसे 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 मेरे ऊपर आ रहे थे तो यहाँ यहाँ मेरी ड्रेस फाड़ी थोड़ी सी उन्होंने खुरुंडे वरुणे मारी मुझे तो ये वो छोटे छोटे पप्पीज थे पप्पीज आई एल चेक द क्लिप फॉर शोर हीना खान इज सो ब्यूटिफुल यार सो स्वीट ऑल्सो ढाजी द लै जा बहुत कैंटा थैंक यू जी हूँ पंजाब आके मैं थोड़ी जी होते सीखनी है मैं पाब नहीं आई बहुत टाइम तक थैंक यू स्वाति माई आउटफिट्स वोजाइड बाय पलक ऑल थैंक्स टू हॉ सादिया तंजीम थैंक यू हरप्रीत सिंह Hmm. मैं सब कुछ हार तेरे उत्ते जाऊंगा सब कुछ वार तेरे उत्ते दूंगा शिट लिरिक्स hmm. छोड़ो कैंसिल टेक टू hmm. मैं छेती छेती लावा तेरे नाल लेनी आ समय का भी यकीन कोई ना तेरे नाल चलिए हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना लिरिक्स यार थैंक यू रिफाद जी हाय अखर मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है पर लिरिक्स नहीं आंदे यार दीदी आप इतना कम क्यों सोते हो पता नहीं दिमाग ही खराब है मेरा भेजा आई डोंट नो अबाउ आई डिड आस दम अबाउड द फोटो आया दम डि गिवैक आई डोंट वॉच टू डिज एपिशोड मैं तेनू समझ कि ना तेरे बाजू लग दाजी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार भाई मेरी मम्मी उठ के मुझे चप्पल मारेगी। तू तु दिल मेरी मैं तेन समझा की। चलो गई बहुत हो गया अभी मतलब क्या हो गया अभी मतलब फिर से भी लाइव आना है कि नहीं मुझे अभी अभी बात करनी कर, करती जाऊं मैं ट खट नटखट थैंक यू मैं ये सरोजनी मार्केट से लेके बताए दिल्ली में आई डों यहाँ पे प्रतीक लेफ्ट ऑन द सोफा बिकॉज ही वॉज अनकंफर्टेबल शेयरिंग हिज बेड आई थिंक तो बाहर आके सोने लग गए आई लव टीजिंग मुझे चलो गाइस अब हमारे जाने का समय आ गया है हम जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नए लाइफ पर कृपया हमें जाने दे वरना हमारी आंखों की नींद उड़ जाएगी लेंसेस सूख जाएंगी और मम्मी की चप्पल हमें पड़ जाएगी अंजलि सॉरी मेरे लिरिक्स खराब है यार नेक्स्ट टाइम मैं फोन रखी होंगी ठग रांझा मैंने ठग रांझा ठग रांझा जा। बाय जाके बिग बॉस के मेकर्स को बोलो कि मुझे वाइल्ड कार्ड में अंदर वापस भेजे अगर अब इसे कैंसिल कैसे करते हैं भाई फेस तो मैसेजेस करना बंद करो मैं कैसे जाऊंगी फिर